नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, वाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं रवि आप सबका, आपके अपने परिवार एग्जाम पूर्व सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चा, आज मैं आपके करंट अफेयर का और प्लस में इम्पोर्टेंट डेज का एक नया सेगमेंट या नया पार्ट जो पार्ट नंबर 7 है वो लेकर आप सबके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। तो फटाफट एक बार बच्चा सेशन के साथ जुड़ जाइए और मुझे कॉमेंट में थम्स अप भेजिए अगर मैं सेशन स्टार्ट करना चाहूँ। फटाफट भेजिए ज़रा, मैं आपके कॉमेंट देख रहा हूँ। चलिए बच्चा, ठीक है, तो फटाफट सेशन को एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। अक्षत राज सर, हेलो हेलो, मोनिका मैम, हेलो। चलिए बच्चा, फटाफट जो है एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सद्दाम हुसैन सर, हेलो। मास्टर अपडेट, हेलो, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय भीम। ठीक है बच्चा, तो फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, जुड़िए फटाफट सेशन के साथ में, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और आप आज जो है आपका जो ये हम जो है अगस्त के जो इम्पोर्टेंट डेज जो हैं, सॉरी जुलाई के अगर बात करें, 7th सेशन है ना, हाँ, तो बिल्कुल जुलाई के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मैं। और इसमें बहुत सारे डेज जो हैं वो आने वाले हैं और उनकी एक शानदार शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने इस सेशन के एंड में जो है क्या कर रखी है, डाल रखी है। तो फटाफट जो है सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और मैं आपका जो सेशन है वो क्या कर रहा हूँ बच्चा, स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा स्पीड जो है वो थोड़ा सा तेज़ रखेंगे आज, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डेज हैं, क्योंकि कल वाले सेशन में भी क्या हो गया था, 3 या 4 जो डे है ना वो मैं बताना क्या हो गया था, वो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी तो वो आपके कंप्लीट नहीं हो पाए थे, ठीक है। चलिए बच्चा, तो बढ़ते हैं पहले इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर। तो जो हम डे डिस्कस करने वाले हैं आज का, तो वो आपका मंथ हो जाएगा बच्चा, वो मंथ हो जाएगा आपका जुलाई। तो जुलाई मंथ के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चा। आपका जो पहला इंपॉर्टेंट डे जो हो जाएगा वो 1 जुलाई को हो जाएगा। आप सबको पता है कौन सा होता है, जीएसटी डे, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज डे, ठीक है। तो जीएसटी डे जो है या जीएसटी दिवस जो है वो बच्चा हम हर साल जो है 1 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। तो 1 जुलाई को जो आपका जीएसटी डे है उसके बारे में आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूं कि आपका जो जीएसटी जो डे है वो हमने पहली बार कर बात करें हमारे देश में हमने जीएसटी कब लागू किया, तो बच्चा हमने हमारे देश में जो जीएसटी लागू किया पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो हमने लागू किया था 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए 1 जुलाई को बच्चा हम कौन सा डे बनाते हैं, हम बनाते हैं जीएसटी डे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि हमने पूरे देश में इंप्लीमेंट कब किया जीएसटी को, तो हमने पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में, पर हमने पहला जीएसटी डे सेलिब्रेट किया 2018 में। तो हमारा जो पहला जीएसटी डे था वो हमने कब सेलिब्रेट किया, तो वो सेलिब्रेट किया हमने 1 जुलाई 2018। तो 2018 से हम हर 1 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जीएसटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फ्रांस जो है वो पहला देश था जिसने अपने यहाँ जीएसटी क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था। तो अब ये जीएसटी से रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट्स हैं या जीएसटी जहाँ भी करंट अफेयर में रहा है वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अगली 2 स्लाइड में आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और उसी में से आपका एग्जामिनर जो है आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन क्या कर लेगा बच्चा, पूछ लेगा, ठीक है। तो फ्रांस पहला कंट्री था जिन्होंने क्या किया, जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, और वो इम्प्लीमेंट कब किया था उन्होंने 1954 में, है ना। तो 1954 में फ्रांस ने अगर बात की तो पूरे वर्ल्ड में पहला जीएसटी क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था। अब बात कर लेते हैं हमारे इंडिया के बारे में। तो आसाम जो था वो पहला अगर बात करें तो आपका स्टेट हो जाएगा जिसने कहा था कि हम जीएसटी रूल जो है वो क्या करने वाले हैं, रेटिफाई करने वाले हैं या जीएसटी को हम मानने वाले हैं, ये डिक्लेयर करने वाला, ये कहने वाला आसाम आपका पहला स्टेट था, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान से समझना बच्चा, असम जो था वो पहला स्टेट था, इंडियन स्टेट था जिसने ये कहा कि हम जीएसटी को मानने वाले हैं। और अगला वाली जो पॉइंट में या अगली वाली जो लाइन में बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। तेलंगाना जो था वो पहला स्टेट था जिसने जीएसटी को पास किया था। तो बच्चा ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। किसने कहा, असम ने कहा कि हम जीएसटी को मानने वाले हैं, है ना, हम जीएसटी को क्या करने वाले हैं, हम मनोनीत करने वाले हैं, ये असम ने कहा था। और पास किसने किया बिल, तो तेलंगाना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ऐसा स्टेट बताइए जिसने जीएसटी को पास किया था, तो बच्चा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। चलिए, तो इतने सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद कि हमारा जो जीएसटी जो है, इंडिया जो जीएसटी फॉलो कर रहा है वो कौन सी कंट्री को फॉलो कर रहा है। तो जो हम मॉडल जो फॉलो कर रहे हैं बच्चा, तो वो हमारा कौन सा मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं कैनेडियन ड्यूल मॉडल, ठीक है ना। तो कनाडा में जो फॉलो हो रहा है वही ड्यूल मॉडल जो है वो हम हमारे इंडिया में क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे याद रखना, दो कंट्री हमने डिस्कस किए हैं कि फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया पूरे वर्ल्ड में, और हम जो फॉलो कर रहे हैं, हम वो कौन सा किसको फॉलो कर रहे हैं बच्चा, हम जो फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं किसको, हम फॉलो कर रहे हैं कैनेडियन ड्यूल मॉडल को। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपकी एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा अमेंडमेंट था, संविधान में हमने संशोधन किया था, कौन सा बिल आया था जिसके तहत जीएसटी को हम लेकर आए, वो सारी की सारी चीज़ें, कौन सा एक्ट जो है वो बना, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपकी अगले 3 या 4 पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, तो बच्चे याद रखना आपको जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, आपका था 101, ठीक है ना, 101। तो 101 जीएसटी संशोधन जो है, जीएसटी संशोधन जो है एक्ट आपका कौन सा था बच्चा, वो था आपका 101। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर कॉन्स्टिट्यूशन बिल कौन सा था, जीएसटी कौन सा संविधान बिल था, तो कौन सा संवैधानिक बिल था, कौन से नंबर का संवैधानिक बिल था बच्चा, तो वो था आपका 112, ठीक है। तो आपका जो जीएसटी जो है वो अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था बच्चा, वो हो जाएगा 101। और दूसरा अगर बात करें तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 122, ठीक है। तो फटाफट एक बार, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट के ऊपर। सचिन यादव, गुड इवनिंग सर। चलिए, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए, तो अगला पॉइंट जो हो जाएगा जीएसटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी जो है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था बच्चा। जो एक्ट जो होता है, देखो एक्ट अलग चीज़ होती है और बिल अलग चीज़ होती है। बिल क्या होता है कि जैसे संविधान, जैसे कि हमने लोकसभा में या राज्यसभा में हमने उसको इंट्रोड्यूस किया, वो होता है बिल, ठीक है। और जब दोनों हाउस ने उसको पास कर दिया और राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया, तो वो बिल क्या बन जाएगा, फिर वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल अगर बात करें तो बिल कौन सा था आपका, तो बिल आपका मैंने बता दिया था, एक्ट बता दिया था। एक्ट कौन सा था, 101 था। और आपका जो बिल हो जाएगा, वो बिल कौन सा था बच्चा, वो था 115वां, ठीक है ना। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल था जीएसटी, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 115। तो 115 जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बिल हो जाएगा 115, ठीक है। तो 115वां जो था संविधान संशोधन बिल था आपका जीएसटी, जो हमने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, इसके अलावा जीएसटी काउंसिल जो है वो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो बच्चा जो आपका जीएसटी काउंसिल है आपके संविधान के 279A आर्टिकल में जो है वो आपका क्या है, वो आपका जीएसटी काउंसिल है। और उसमें बोला गया है, आर्टिकल 279A में बोला गया है, अनुच्छेद 289 में बोला गया है, क्या बोला गया है कि ये बोला गया है कि आपका जो जीएसटी काउंसिल होगा उसका हमेशा हेड जो है वो कौन होगा, आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा बच्चा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। तो जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 279A में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। जीएसटी कहाँ न्यूज में रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जीएसटी की 4th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई है वो आपकी मैंने भी बताया था कौन हमेशा कौन अगर बात करें तो उसकी अध्यक्षता करेगा। आप सबको पता है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन, तो उन्होंने उसकी अध्यक्षता की है। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि सर देखो जीएसटी की अगर बात करें तो बहुत सारी कैटेगरी हैं, ठीक है ना, डिफरेंट 5 टाइप की कैटेगरी हैं। तो 5 टाइप की कैटेगरी में बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर अगर बात करें तो कौन सी वाली कैटेगरी में डाल दिया है, 12%। तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर आप परचेज करोगे या इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आप डील करोगे तो आपको जो जीएसटी पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा, 12% पे करना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या किया गवर्नमेंट ने कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कितना जीएसटी है, 12%। अच्छा, जीएसटी जो है मोबाइल फोन के ऊपर जो है वो बढ़ा दिया, वो बढ़ा कितना कर दिया बच्चा, वो बढ़ा के 12 से कितना कर दिया गया है, 12 से कितना कर दिया है, 18 कर दिया है। तो जीएसटी जो है ऑन मोबाइल जो है, जीएसटी ऑन मोबाइल जो है वो इंक्रीज कर दिया कितना, 12 से कितना कर दिया बच्चा, 18% कर दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे याद रखना कितना कर दिया है, कम करके कितना कर दिया है, 12 कर दिया है। और मोबाइल फोन पे बढ़ाया कितना कर दिया है, 12% से कितना कर दिया गया, 18% कर दिया है, ठीक है बच्चा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। चलिए अगली इस मीटिंग में क्या हुआ था कि सर जीएसटी जो है लॉटरीज के ऊपर जो जीएसटी जो लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 28%। और बच्चा ये आपके रिसेंटली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लॉटरी के ऊपर हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कितना जीएसटी लगा रही है। तो बच्चा जो लॉटरी सिस्टम जो है उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा आपका 28%। ठीक है बच्चा, तो 28% जो है आपका क्या होगा, जीएसटी लगेगा किसके ऊपर, लॉटरी के ऊपर। ठीक है, तो एक बार फटाफट जो है बताइए जरा कि कमेंट में बताइए जरा कि फटाफट कि सारी की सारी चीजें अगर आपने नोट डाउन कर ली है तो फिर बढ़ते हैं अगले डे के ऊपर। हाँ, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी बिल्कुल सही। चंद्र यादव सर बिल्कुल सही है। अभिषेक वर्मा थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बच्चा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए ठीक है, तो आपका जो अगला जो इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा बच्चा वो कौन सा हो जाएगा आपका, 1 जुलाई को ही आपका जो डे बनाया जाता है बच्चा वो कौन सा होता है आपका, नेशनल डॉक्टर्स डे होता है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी बोल सकते हैं। तो नेशनल डॉक्टर डे जो है वो हम मनाते हैं बच्चा कब, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को आपका कौन सा डे बनाता है हम, दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, आप सबको पता होगा कि ये जो पर्सन जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही हम क्या करते हैं, नेशनल डॉक्टर डे बनाते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं कि इस साल जो हमारा नेशनल डॉक्टर डे था 1 जुलाई का, उसकी थीम क्या थी बच्चा। तो थीम जो 2020 की बच्चों जो थीम थी वो थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 से जो मृत्यु दर जो है वो हमें क्या करनी है, कम करनी है। ठीक है, तो कोविड-19 से होने वाली जो मृत्यु दर है वो हमें क्या करनी है, कम करनी है। ये आपकी इस साल की राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की क्या थी बच्चा, थीम थी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया है कि भाई ये मार्क द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी, मतलब इसी दिन अगर बात करें, इनका जन्म भी हुआ था और इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो मार्क द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो है वो वन ऑफ द फेमस और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो हमारे डॉक्टर हुए हैं, चिकित्सक हुए हैं। ये हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री जो थे उनके भी पर्सनल डॉक्टर थे और महात्मा गांधी के भी पर्सनल डॉक्टर थे। ठीक है ना, तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। और बच्चा हमने पहली बार डॉक्टर डे कब बनाया, तो बच्चा हमने पहली बार जो डॉक्टर डे बनाया वो हमने कब बनाया, वो हमने बनाया 1991 में। तो 1991 में हमने क्या किया, हमने हमारा फर्स्ट डॉक्टर डे क्या किया है, सेलिब्रेट किया बच्चा। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। और ये जो वॉचिंग जो है ना वो इतने में मज़े नहीं आने वाला बच्चा, है ना। मैंने कल भी बोला था आपको, देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप सेशन को लगातार एक कंटिन्यूली सेशन में अगर आप जुड़ रहे हैं तो उस चीज़ को लगातार फॉलो कीजिए। ठीक है ना, और ये तो वॉचिंग जो है ना ये तो मतलब काम मज़े वाली बात नहीं है। इतने सारी चीज़ें, इतनी सारी शॉर्ट टिप्स जो है और वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है ना। तो एक जो चीज़ जो मेरे को मोटिवेट करती है वो मोटिवेट करती है कि आप जितने सारे लोग इस सेशन से जुड़ोगे तो उतना ही बेस्ट या उतना ही अच्छा कंटेंट जो है ना वो आप लोगों में प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ा सा एक बार इस चीज़ को ध्यान रखिए जरा। ठीक है ना, तो ये कोई मतलब मैंने पहले भी कहा था आपको कि जितना भी हो सके शेयर कीजिए इस चीज़ को आपने अपने फ्रेंड्स से, डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है ना, इस चीज़ को शेयर कीजिए और अपने जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं उनको सेशन को जोड़ने के लिए बोलिए फटाफट। ठीक है, प्रियंका उदप्पा हेलो टीचर जी, ओके ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले इंपॉर्टेंट डे के ऊपर। इम्पोर्टेंट जो आपका इम्पोर्टेंट डे हो जाएगा 1 तारीख को ही आपका कौन सा हो जाएगा बच्चा, 1 जुलाई को ही हम कौन सा बनाते हैं, हम बनाते हैं नेशनल सीए डे, या हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट डे। तो राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट डे जो है वो आपका 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो बच्चा आपको याद रखना है कि 1 जुलाई के ऊपर तीन दिन हो गए, कौन कौन से, एक हो गया जीएसटी डे, एक हो गया आपका डॉक्टर डे और एक आपका क्या होगा, नेशनल सीए डे। ठीक है बच्चा, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं 2 जुलाई 2 जुलाई। तो 2 जुलाई को आपका जो बच्चा जो डे बनाया जाता है वो कौन सा होता है, वो पहला होता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, विश्व खेल पत्रकार दिवस। तो विश्व खेल पत्रकार दिवस जो बच्चा आपका हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो 2 जुलाई को आपका जो इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, या हम बोल सकते हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस। ठीक है बच्चा, इसके बारे में इतना ही। जो भी चीज़ किसी भी डे के बारे में कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो इसमें ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। चलिए बढ़ते हैं। आपका 2 जुलाई को ही कौन सा डे हो जाएगा बच्चा? हमारा 2 जुलाई को ही दूसरा डे हो जाएगा। कौन सा? वर्ल्ड यूएफओ डे। वर्ल्ड यूएफओ डे या विश्व यूएफओ डे या विश्व यूएफओ दिवस बोल सकते हैं। अच्छा, यूएफओ होता क्या है? यूएफओ होता है अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएफओ की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। या बिल्कुल आसान भाषा में बोलें तो आप जो बोलते हो उड़न तस्री या जो एलियन वाला जो प्लेन जो बोलते हो ना, तो वो आपका यूएफओ कैटेगरी में आता है। तो आपका हर साल 2 जुलाई को जो डे बनाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? वर्ल्ड यूएफओ डे। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं अगले। अभिनव यादव सर एनडीए क्या 1 बजे है? बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए की क्लास है 1 बजे। ठीक है, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं बहुत खुशी के साथ बोल रहा हूँ कि कल जो क्लास थी उसमें वॉचिंग जो थी वो 180 प्लस थी, वो भी रात में 1 बजे। ठीक है ना, तो आप लोग जितने भी सारे लोग जो है ना, कम से कम आप 10 बजे जो है 10 वाले सेशन में आप इतनी कम जो है वॉचिंग के साथ आ रहे हो, तो ये थोड़ा सा मतलब दुख वाली बात है ना। कि आप देखिए ना, मतलब सिंपल सी बात है, आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको वर्दी चाहिए, तो सिंपल सी बात है आपको कुछ चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा सेक्रीफाई क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप जितने भी सारे लोग जो है ना वो ठीक है। चंद्र यादव डेटा एंड हो गया है सर। सर अब तो इसमें क्या बोला जाए, अब देखो इस चीज़ में तो कुछ है नहीं। चीज करवा लीजिए है ना, 16-17 रुपये का एक दिन का हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है ना, आपकी पढ़ाई के लिए ये कुछ अमाउंट, ये कुछ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला। 3 जुलाई को बच्चा, 3 जुलाई को जो आपका इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। तो बच्चा जो हम हर साल 3 जुलाई को जो डे बनाते हैं बच्चा, वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। या हम बोल सकते हैं कि प्लास्टिक फ्री जो डे है वो हम बनाते हैं, प्लास्टिक मुक्त जो दिवस हम बनाते हैं वो हम कब बनाते हैं बच्चा? वो बनाते हैं हम 3 जुलाई को। ठीक है, तो 3 जुलाई को अगर बात करें तो ठीक है हम डे बनाते हैं। अब फटाफट बात कर लेते हैं प्लास्टिक के बारे में, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूज़ में रहा है प्लास्टिक के बारे में, और हमने यहाँ पर अगर बात करें तो प्लास्टिक के रिगार्डिंग हमने कुछ ना कुछ फैक्ट भी किए थे। तो भाई कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। क्या बोला गया है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल जो है, या हम कह सकते हैं तो कि 2 अक्टूबर 2019 में, पिछले वाले साल में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान की स्टार्टिंग की थी, और हमने टारगेट रखा था। और क्या टारगेट रखा था? इंडिया टू अचीव प्लास्टिक फ्री नेशन। कब तक? 2022 तक। तो 2022 तक जो है, 2022 तक जो है हम क्या हो जाएंगे? हम प्लास्टिक फ्री नेशन हो जाएंगे। ये अगर बात करें तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपका जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट का क्या नाम है आप सबको पता है? IGI। तो IGI जो है आपका देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट है। ठीक है बच्चा, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट बात करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, पंचायती राज डे जब मैंने पढ़ाया था है ना। तो फटाफट मुझे एक बार कॉमेंट में बताइए बच्चा कि हम हर साल हम किस डेट को नेशनल पंचायती राज दिवस, या हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो बनाते हैं? फटाफट एक बार कॉमेंट में बताइए बच्चा। संदीप काला सर वॉइस क्या मतलब बताइए, क्या हो गया? वॉइस आगे कुछ लिखोगे? क्या हो गया? आवाज़ नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। आगे बताइए बच्चा क्या हुआ? आप एक ही मैसेज को बार बार टाइप कर रहे हैं। सर एयरफोर्स वाले बच्चे भी ले सकते हैं 1 बजे क्लास। बिल्कुल बलवंत गुप्ता सर, बिल्कुल। हिमांशु वर्मा सर का बिल्कुल सही आंसर आया 24 अप्रैल। महेंद्र सिंह बिल्कुल 24 अप्रैल। डोरिस में 24 अप्रैल, बिल्कुल बिल्कुल 24। अरे तो वॉइस मिस्टेक क्या भाई संदीप सर, इसको ब्लॉक कर दो। संदीप जो है ना इसको ब्लॉक कर दो। चलिए बात करते हैं तो सिंडोडा पंचायत, आपकी जो कौन सी पंचायत है बच्चा? आपकी पंचायत जो हो जाएगी कौन सी हो जाएगी? सिंडोडा पंचायत। तो सिंडोडा पंचायत जो है बेसिकली इंदौर की, उनको क्या बोला गया है, उसको क्या बोला गया कि फर्स्ट प्लास्टिक फ्री एरिया है मध्य प्रदेश का। और उन्होंने अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड। तो अवार्ड जीता है कौन सी कैटेगरी में जीता है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड में अगर बात करें तो इसको जीता है। ठीक है बच्चा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगले वाले पॉइंट के हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंडोडा पंचायत आपकी इंदौर की क्या कर दी गई? आपकी प्लास्टिक फ्री एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है, और उनको क्या मिला है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट क्या मिला है? अवार्ड मिला है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सिक्किम जो है आप सबको पता है कि सिक्किम जो है इन सब मामलों में अगर बात करें तो सबसे नंबर वन पे रहता है। तो सिक्किम जो है वो 1998 से ही बच्चा आपको ये पता होना चाहिए, सिक्किम जो है 1998 में ही आपके देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया था जिन्होंने अगर बात करें तो प्लास्टिक को क्या कर दिया था, प्लास्टिक बैग को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। तो सिक्किम जो है आपका पहला स्टेट था आपके कंट्री का जिन्होंने क्या कर दिया था 1998 में ही, तब से ही हमारे प्लास्टिक को क्या कर दिया वहाँ पर उन्होंने बैन कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र ने क्या कहा कि महाराष्ट्र ने कहा है कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 मई 2020 से क्या कर देगा, 1 मई 2020 से क्या कर देगा, वो सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री स्टेट हो जाएगा। तो महाराष्ट्र ने टारगेट रखा कितना, 1 मई 2020, और हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने रखा था कितना बचा, 2022। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो आपको पता होना चाहिए बॉलीवुड की आपकी एक मूवी आने वाली है। ठीक है ना, कुली नंबर वन एक पहले भी आई थी, और वो पहले किसकी थी, गोविंदा की थी अगर बात करें, है ना। तो फिलहाल जो कुली नंबर 1 आ रही है वो वरुण धवन उसमें है। ठीक है ना, तो कुली नंबर 1 जो है मूवी जो है उसमें जितनी भी सारी चीज़ें हुई और जितने भी सारे उसने मूवी की जितनी भी सारी डायरेक्शन हुई, शूटिंग हुई, तो उस शूटिंग के टाइम पर उन्होंने कोई भी प्लास्टिक यूज नहीं किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली ऐसी मूवी जहाँ पर प्लास्टिक को बैन किया गया, प्लास्टिक का यूज जो है वो बैन किया गया, तो आपकी कौन सी मूवी हो जाएगी बच्चा, वो हो जाएगी कुली नंबर 1। कुली नंबर 1। ठीक है बच्चा, ये पॉइंट फटाफट लिखिए जरा। अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो आपकी जो जुडुकू वैली है नागालैंड में, वो आपकी क्या हो गई है बच्चा, वो आपकी प्लास्टिक फ्री हो गई है। तो आपकी जो जुडुकू वैली जो नागालैंड में है वो आपकी क्या हो गई, प्लास्टिक फ्री जोन हमने डिक्लेयर कर दिया। तो फटाफट एक बार बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, कल्पना शुक्ला सर जी नमस्ते मैम। चलिए फटाफट जो है एक बार फटाफट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, होपफुली आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगला जो आपका इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा बच्चा वो कौन सा हो जाएगा, 7 जुलाई। और 7 जुलाई को जो आपका डे बनाया जाता है बच्चा वो होता है आपका वर्ल्ड चॉकलेट डे, विश्व चॉकलेट दिवस, है ना। और आज की थीम जो है ना, आज की थीम आज की जितनी भी सारी आपकी शॉर्ट ट्रिक जो है ना वो आपकी चॉकलेट की हाथ बारी है ना। तो आप सब लोगों का जो है ना थोड़ा सा अच्छा भी लगा कि चॉकलेट अगर बात करें। ठीक है ना, तो जब हम बात करते हैं चॉकलेट की तो वर्ल्ड चॉकलेट डे आपका कब मनाया जाता है बच्चा, तो वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है आपका हर साल 7 जुलाई को। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका जो अगला इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा बच्चा वो कौन सा हो जाएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो आपका हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो हर साल 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन जो हम बना रहे हैं 11 जुलाई को, इसकी जो थीम थी 2020 की वो मैं आप सबके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। थीम क्या हो जाएगी, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। कहने का मतलब ये है कि महिलाओं और लड़कियों के जो राइट कह सकते हैं, अधिकार कह सकते हैं, और उनका स्वास्थ्य जो है वो हम कैसे उसको सही कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने चर्चा की। तो आपकी जो थीम हो जाएगी वो हो जाएगी हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो बच्चा ये आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो आपका 11 जुलाई को बनाया जाता है उसकी क्या है, उसकी थीम है 2020 की। अच्छा, बात कर रहे थे स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या बोला जाता है, तो बच्चा स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को बोला जाता है डेमोग्राफी। ठीक है ना, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी बोला जाता है। अच्छा, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन तो डेमोग्राफी हो गया, ठीक है ना। और काउंटिंग ऑफ पर्सन क्या कहलाता है बच्चा, तो काउंटिंग ऑफ पर्सन क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेंसस, है ना। जनगणना क्या कहलाती है, लोगों की गणना, लोगों को गिनने की प्रक्रिया, काउंटिंग ऑफ पर्सन इज कॉल्ड एज द सेंसस, और स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड एज द डेमोग्राफी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने कब पहली बार अगर बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हमने सेलिब्रेट किया। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो हमने स्टार्ट किया था वो किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1989 में। तो 1989 में हमने पहली बार पूरे वर्ल्ड में विश्व जनसंख्या दिवस क्या किया था बच्चा, बनाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, क्या बोला गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, यूएनडीपी जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। तो यूएनडीपी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यूएनडीपी ही आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है क्या करता है बच्चा, बनाता है। अब यूएनडीपी के बारे में बात करें तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1965 में। तो 1965 में इसके क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा यूएनडीपी का, तो यूएनडीपी का जो बच्चा हेडक्वार्टर हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, तो न्यूयॉर्क यूएसए में यूएनडीपी का क्या है, हेडक्वार्टर है। बात करते हैं इसके अलावा डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डायरेक्टर जनरल जो है वो है अचीम स्टेनर। तो अचीम स्टेनर फिलहाल अगर बात करें तो डायरेक्टर जनरल हैं किसके, यूएनडीपी की। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी पॉपुलेशन से रिलेटेड मैं सारी की सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, टॉम एंड जेरी, बिल्कुल बिल्कुल। वर्ल्ड का अगर आप सर टॉम एंड जेरी सर अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न अगर बात करें ना बच्चा, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का मॉडर्न सेंसस जो था वो कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो बिल्कुल सही है, स्वीडन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि डिकेडल सेंसस किसने स्टार्ट किया था, डिकेडल मतलब आप सबको पता ना कि एक जनगणना जो है वो हर 10 साल के बाद होती है, तो डिकेडल जो सेंसस की स्टार्टिंग की थी वो यूएसए ने स्टार्ट की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट के ऊपर। और अगला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका जो अगला जो इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा क्या, इंटरनेशनल मलाला डे। इंटरनेशनल मलाला डे या अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस वो आपका हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो हर साल 12 जुलाई को जो मनाया जाता है वो आपका कौन सा डे हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा आपका इंटरनेशनल मलाला डे। और मलाला के बारे में फटाफट सारे के सारे फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं कि पहली बार हमने मलाला डे कब बनाया। पहली बार हमने मलाला डे बनाया जब उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, और बर्थ एनिवर्सरी कौन सी, 16th। तो मलाला के 16वें जन्मदिन के ऊपर हमने 2013 में कौन सा डे बनाना स्टार्ट किया, इंटरनेशनल मलाला डे। ठीक है, 12 जुलाई को जो हम हर साल बनाते हैं बच्चा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप सबको पता होगा मलाला यूसुफ़ज़ई कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो पाकिस्तान से। तो मलाला कहाँ की हैं, तो मलाला कहाँ की हैं, पाकिस्तान की हैं। दूसरा मलाला और कैलाश सत्यार्थी, आप सबको पता होगा कैलाश सत्यार्थी जो है वो हमारे इंडियन अगर बात करें तो सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका अपना खुद का एनजीओ है। और एनजीओ का नाम बताइए ज़रा, अगर किसी को पता है बताइए ज़रा, कैलाश सत्यार्थी जी का जो एनजीओ है उसका नाम क्या है बताइए ज़रा, जिनके लिए इनको 2014 में अगर बात करें तो क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो 2014 में मलाला को और कैलाश जी को दोनों को संयुक्त रूप से क्या मिला था, अंतर्राष्ट्रीय या फिर हम बोल सकते हैं नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या है कि यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर है मलाला जो है, पूरी दुनिया की अगर बात करें तो यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज़ विनर है। और ये इनको मिल गया था कौन सी उम्र में, ये इनको मिल गया था 17 साल की उम्र में ही। ठीक है ना, तो मलाला जो है सबसे यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज़ विनर। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने मलाला को अगर बात करें तो इस डिकेड की मोस्ट फेमस टीनेजर अगर बात करें तो क्या किया गया है, डिक्लेयर किया है। तो मलाला को इस डिकेड की, इस दशक की सबसे फेमस प्रसिद्ध जो है यंगस्टर कह सकते हैं आपको क्या किया है, क्लियर किया है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे फैक्ट जो है वो मैंने मलाला के बारे में बता दिया है। ठीक है, ये इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है, सबसे यंगेस्ट रिसिपेंट हैं आपकी किसकी, नोबेल पीस प्राइज़ की। इसके अलावा आपका यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है मलाला को मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड। ठीक है, इसके अलावा इनकी कुछ बुक्स भी आई हैं जो आपसे पूछी भी गई हैं। इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो आपकी 3 बुक जो हैं आपकी मोस्ट फेमस है मलाला की रिगार्डिंग। और ये 3 बुक कौन कौन सी हैं, तो 3 बुक कौन कौन सी हैं आपकी, वी आर डिस्प्लेस्ड, आई एम मलाला इसकी इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, और मलालाज मैजिक पेंसिल। ये आपके 3 जो हैं वो 3 अगर बात करें तो मलाला की अभी तक बुक आई है। और बच्चा आपको ये तीनों की तीनों बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है। वी आर डिस्प्लेस्ड जो है ये आपके लास्ट ईयर जो है वो बैंकिंग के एग्जाम में आपसे पूछी जा चुकी है। ठीक है बच्चा, तो फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। और जो वॉचिंग जो है वो देखो टारगेट जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। वो देखो मेरा काम कंटेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है ना, आपका जुड़ना जो है वो आप लोगों का वो आपका काम है। ठीक है, हाँ कल्पना मैम, बिल्कुल कि पीछे स्टोरी यही है कि इनको पढ़ना था, तालिबान इनको गोली मारी थी, वो सारी की सारी चीज़ें। इनके ऊपर एक मूवी भी आई है, और मूवी का नाम क्या है, तो मूवी का नाम है गुल मकई। तो गुल मकई जो है मलाला की लाइफ के ऊपर मूवी बनी है। और उनके अगर बात के डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, फिल्म डायरेक्टर वो है अमजद खान। तो अमजद खान की डायरेक्शन में इनके ऊपर मूवी भी बनी है, और मूवी का नाम क्या हो जाएगा, गुल मकई। ठीक है, तो बच्चे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। किसके बारे में? इंटरनेशनल मलाला डे के बारे में, जो हम हर साल 12 जुलाई को बनाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले इंपॉर्टेंट डे के ऊपर। आपका जो अगला इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा बच्चा, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 15 जुलाई को। 15 जुलाई को जो आपका इंपॉर्टेंट डे होता है बच्चा, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस। तो आपका हर साल 15 जुलाई को जो डे बनाया जाता है बच्चा, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा वर्ल्ड यूथ स्किल डे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है वो आपका हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बारे में फटाफट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे तब तक बताइए आप लोग कमेंट में कि आपके हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, तो हमारे स्किल मिनिस्टर कौन है? हु इज द स्किल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताइए जरा। फटाफट बताइए जरा। अभिनव कुमार सर, जो मैंने पूछा है वो बताइए ज़रा। मैंने आपसे पूछा है अभिनव सर, मैंने आपसे पूछा है, बताइए कि आपके स्किल मिनिस्टर कौन है? हु इज़ द स्किल मिनिस्टर, हु इज़ द स्किल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों का। पोखरियाल निशांक नहीं सर, टॉम एंड जेरी सर गलत हो गया, पोखरियाल निशांक नहीं है। भारती मैम का बिल्कुल सही आंसर आया है, महेंद्र नाथ पांडे बिल्कुल सही, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी मैम ने साथ में लिखी है, बिल्कुल सही, चंदौली यूपी बिल्कुल सही। निशा वर्मा का बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है। काजल चौहान मैम का बिल्कुल सही आंसर है। बलवंत गुप्ता बिल्कुल सही आंसर नहीं, हाँ टॉम एंड जेरी बिल्कुल सही, हाँ क्या बोला गया? रमेश पोखरियाल जो है वो आपका क्या है? एचआरडी मिनिस्टर हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अभिनव कुमार सर पता नहीं आप बता दो, मैं तो बताऊंगा ना सर, है ना। जैक्सपेरो क्या होगा? वॉइस क्यों नहीं आ रही सबको? बाकी सबको वॉइस आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही है? चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। तो थीम क्या थी बच्चा? तो थीम क्या थी आपकी? वर्ल्ड यूथ स्किल डे की थीम क्या थी? तो स्किल फॉर रिसाइलेंट यूथ। तो आपकी जो थीम जो है वो क्या हो जाएगी? स्किल्स फॉर ए रिसाइलेंट यूथ, आपकी क्या हो जाएगी? 2020 की थीम हो जाएगी। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने स्किल डे बनाना कब स्टार्ट किया था? तो 2015 से स्टार्ट किया था बच्चा, ठीक है ना। तो 2015 से हमने मैं ये कह सकता हूँ कि 2015 में हमने पहला वर्ल्ड यूथ स्किल डे बनाया था, या विश्व कौशल दिवस जो हमने कब बनाया था? हमने बनाया था 15 जुलाई को 2015 में पहली बार, ठीक है बच्चा। चलिए बढ़ते अगले वाले पॉइंट के ऊपर कि आपका जो स्किल मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे बिल्कुल सही महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है ना। और आपको याद कैसे होगा? तो आपको सबको पता है ना, महेंद्र सिंह धोनी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और आप जब भी उनके बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करेंगे या उनके डिसीजन के बारे में बात करेंगे, तो वो बहुत ही एक स्किलफुल इंसान है, ठीक है ना। तो आप ज़िंदगी में कभी याद नहीं भूलोगे नहीं, या कि ये नहीं कहोगे सर याद नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो स्किल किसके पास? तो स्किल किसके पास है भाई? स्किल किसके पास है? स्किल महेंद्र के पास है ना। तो महेंद्र जो है आपका क्या हो जाएगा? आपका स्किल मिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, चंदौली। और चंदौली कहाँ पर होता है, कहाँ पर बचा? तो चंदौली आपका जो है वो कहाँ पर है? वो आपका यूपी में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी वर्ल्ड यूथ स्किल डे के बारे में थी, जिसको हम बनाते हैं 15 जुलाई को, ठीक है। चलिए बच्चा, तो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा कि थीम थी आपकी स्किल फॉर ए रिसाइलेंट यूथ। 2015 में हमने पहली बार बनाया था। महेंद्र नाथ पांडे जो है आपके क्या है? स्किल मिनिस्टर है। चलिए बच्चा, जो आपका इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा 17 जुलाई को, 17 जुलाई को, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। आपका हर साल 17 जुलाई को बच्चा, हर साल 17 जुलाई को जो आपका बनाया जाता है डे, वो बनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस जो आपका बनाया जाता है बच्चा, वो कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को हम ये डे बनाते हैं। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तब तक मुझे बताइए जरा, इंटरनेशनल जस्टिस डे कब बनाते हैं? इंटरनेशनल जस्टिस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? बच्चा मैं वेट कर रहा हूं, बताइए जरा इंटरनेशनल जस्टिस डे हम कब मनाते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के बारे में बता देता हूं, जो 17 जुलाई को बनाया गया था। कि आईसीसी का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है ना। तो ये वर्ल्ड का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जिसका फाउंडेशन हुआ था आपका 1998 में। 1998 में अगर बात करें तो हमने रोमन स्टेट्यू अगर बात करें या हम कह सकते हैं रोम कानून तो रोम कानून जो है उसको अडोप्ट करते हुए 17 जुलाई 1998 में हमने किसकी स्थापना की थी, अगर बात करें तो किसकी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। इसका जो हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द हेग, कहाँ पर, नीदरलैंड में हो जाएगा। तो हेग में अगर बात करें तो आपका क्या है, आपका हेडक्वार्टर है। मलेशिया जो है वो हाल ही में आईसीसी से जुड़ा है और ये आपका कौन से नंबर का अगर बात करें तो स्टेट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 124th। तो 124th नंबर का स्टेट जो है आपका कौन सा हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना। तो मलेशिया जो है आपका फिलहाल जो है लेटेस्ट कंट्री जो है वो आपका इसमें ऐड हुआ है। और आपको मैं बता देता हूँ पहले से ही कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का क्या नहीं है, मेंबर नहीं है। तो अगला वाला पॉइंट यही है कि इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आईसीसी, ठीक है ना। तो यहाँ आईसीसी वो मत समझ लेना जो क्रिकेट वाला है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो आपको वो नहीं है ना। आईसीसी क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है बच्चा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। 17 जुलाई ही है सर, नहीं 17 जुलाई नहीं है अभिनव कुमार, 20 फरवरी को वैश्विक सामाजिक न्याय दिवस होता है, बिल्कुल सही, कल्पना मैम का बिल्कुल सही आंसर है 20 फरवरी को। और यही चीज़ जो है वो मैंने आपको पूछी है कहाँ, और तभी मैंने आपको ये स्लाइड जो है, जो आपकी जो मोस्ट फेमस स्लाइड जो होती है हम डिस्कस करते हैं, डोंट कंफ्यूज, कि वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कब होता है, 17 जुलाई को। और वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में बात करें तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है बच्चा वो कब हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 20 फरवरी को। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो आपका कब हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 फरवरी को, ठीक है। होपफुली आप लोगों का लेफ्ट साइड थोड़ा ही दिख रहा है बच्चा, तो मैं साइड में बिल्कुल मैंने कवर नहीं कर रखा है, ठीक है। चलिए, आपका जो अगला इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा बच्चा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 18 जुलाई को। और 18 जुलाई को जो हम डे बनाते हैं बच्चा वो कौन सा हो जाएगा, आपका इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे या अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे जो है, दिवस जो है वो हम बनाते हैं हर साल। कब बनाते हैं हम? हर साल बनाते हैं 18 जुलाई को। फटाफट मुझे कॉमेंट में बताइए ज़रा कि नेल्सन मंडेला जी जो हैं वो किस देश से बिलोंग करते थे, बताइए ज़रा। बताइए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। और सेशन को लाइक कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया अभी तक, ठीक है ना। और ये कंटिन्यूस वॉचिंग वाला जो है ना, ये मज़े वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। हमें वो पहले 2 दिन वाला टारगेट हमें सेट करना, वो 100+ वॉचिंग जो है ना वो हमें करनी है, ठीक है ना। तो 100+ वॉचिंग वाला जो है ना, ठीक है, वो साउथ अफ्रीका बिल्कुल सही साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो बिल्कुल सही, तो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी अगर बात की, इनके ऊपर जो बुक जो लिखी गई, इनकी जो बुक है वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो आपको पता होना चाहिए, आपसे बहुत बार पूछा गया है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो किनकी बुक है, तो किनकी बुक हो जाएगी बच्चा, वो हो जाएगी नेल्सन मंडेला जी की, ठीक है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किनकी बुक हो जाएगी, नेल्सन मंडेला जी की बुक हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला, 20 जुलाई। तो 20 जुलाई को बच्चा आपका जो इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरनेशनल चेस डे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। तो हर साल जो है वो हम 20 जुलाई को क्या करते हैं, 20 जुलाई को क्या करते हैं हम, हर साल इंटरनेशनल चेस डे बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस बनाते हैं। और इस शतरंज दिवस के या इंटरनेशनल चेस डे के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। आपके जो ये आपकी दूसरी स्लाइड आ गई, चलो ठीक है, इसको हम एक बार हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हाँ ये वाली चीज़, ये वाली स्लाइड आपकी, कि इंटरनेशनल चेस डे के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल चेस डे आपका कौन सा हो जाएगा। तो आपका जो इंटरनेशनल चेस डे जो है, तो हम बता सकते हैं या हम कह सकते हैं, गर्व की बात है कि चेस जो शतरंज जो है, इसका आविष्कार जो है वो हमारे ही देश में हुआ है। हमने हमारी कौन सी सदी में, कौन सी सेंचुरी में अगर बात करें तो फिफ्थ सेंचुरी में अगर बात करें तो हमने चेस का क्या किया था, हमने इन्वेंट किया था, ठीक है। और इसको बोला जाता है चतुरंगा, बोला जाता था इसको उस टाइम पे, है ना। तो इस टाइम पे कौन सा बोला जाता है, चतुरंगा, ठीक है ना। फिलहाल हम इसको क्या बोलते हैं, शतरंज बोलते हैं। और इसका इन्वेंशन हमारे ही देश में हुआ था। इसके अलावा इसके अलावा चेस प्लेयर जो हैं आपके, जिनका नाम है जी आकाश, जी आकाश जो हैं वो आपके इंडिया के 66 क्या हो गए हैं, ग्रैंड मास्टर हैं। तो हाल फिलहाल में ही जी आकाश जो है वो हमारे देश के 66वें ग्रैंड मास्टर जो हैं वो क्या हैं, बने हैं। ठीक है बच्चा, ये आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अन्ना यूजेनिया विंस फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स लेग ऑफ द FIDE होता है फेडरेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ, ये आपका बेसिकली अगर बात करें तो FIDE जो है वो वुमेन्स, एक सेकेंड, जो आपका क्या है womenchess.com जो है वो क्या है, उनकी विनर बनी है। तो एना जो है वो FIDE womenchess.com जो है, जो स्पीड चेस जो है उनको जीतने वाली क्या है, वो पहली महिला बन गई हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं विश्वनाथ आनंद की। फिलहाल आप सबको पता होना चाहिए ना कि हमारे जो चेस प्लेयर, जो सबसे फेमस चेस प्लेयर कौन है हमारे देश के, विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद जी की जो है उन्होंने अपने खुद की एक किताब लिखी है, और कोराइटर भी मैंने आपके साइड में लिखा हुआ है। तो वो जो उनकी जो बुक है उसका नाम क्या है, उनका नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइंड मास्टर। और बच्चा आपकी ये प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है कि माइंड मास्टर जो हो किसकी बुक है, तो बच्चा माइंड मास्टर किसकी बुक है, विश्वनाथ आनंद की अगर बात करें। और सुसान निनान है ना, तो सुसान निनान जो है वो आपके को राइटर हो जाएंगे। ठीक है, तो सुसान निनान को राइटर हैं, और माइंड मास्टर जो है वो आपकी विश्वनाथ आनंद जी की क्या है, बुक है। ठीक है बच्चा, चलिए ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस कर ली है। चलिए अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका जो 22 जुलाई को जो डे बनाया जाता है बच्चा, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरनेशनल पाई डे। 22 जुलाई को ही आपका एक इंपॉर्टेंट डे होता है, और वो कौन सा हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा आपका इंटरनेशनल पाई डे। ठीक है ना, अब देखो पाई डे जो है वो 22 जुलाई को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो बच्चा आप सबको पता होगा ना, पाई की जो वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू जो हो मान क्या होता है, 22/7 है ना, 22/7। और सिंपल सी बात है, डेट कौन सी है तो 22, और मंथ कौन सा है, सातवां महीना कौन सा होता है, आपका जुलाई होता है। इसलिए 22 जुलाई को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो हम डे सेलिब्रेट करते हैं कौन सा, इंटरनेशनल पाई डे या अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस। ठीक है बच्चा, विक्रमादित्य लूडो डे कब बनाया जाता है, अभी तो नहीं बनाया जाता बच्चा, पर आप कोशिश करो है ना, क्या पता बन जाए है ना। वैसे लॉकडाउन में हमने लूडो ही बनाया वैसे तो, चलो कोशिश करते रहो विक्रम सर, हो सकता है कि लूडो डे आ जाए कहीं ना कहीं। चलिए बात करते हैं 26 जुलाई को। 26 जुलाई को जो आपका डे बनाया जाता है बच्चा, वो कौन सा हो जाएगा, आपका कौन सा हो जाएगा, आप सबको पता है कारगिल विजय दिवस में बनाते हैं हम 26 जुलाई को। तो 26 जुलाई को हम कौन सा डे बनाते हैं, कारगिल विजय दिवस बनाते हैं बच्चा। ठीक है, और कारगिल विजय दिवस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, कारगिल विजय दिवस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या डिस्कस करते हैं, आप सबको पता होगा कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी थी, आपको पता होना चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी ये कारगिल विजय दिवस की बच्चा, तो ये थी 21वीं है ना, 21st आपकी विजय दिवस की आपकी एनिवर्सरी थी। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हमने जो एक ऑपरेशन विजय अगर बात करें, ठीक है ना, आप सबको पता होना चाहिए कारगिल में जो हमने विजय प्राप्त की थी उसको हमने एक ऑपरेशन का नाम दिया था, और नाम क्या था बच्चा, ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय, जो हमने 1999 में कंडक्ट किया था बच्चा। ठीक है, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने भी अगर बात करें तो एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था बच्चा। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन आर्मी कौन सा हो जाएगा, तो इंडियन आर्मी का कौन सा हो जाएगा, ऑपरेशन विजय। अगर आपसे पूछा जाए कि एयरफोर्स का, वायुसेना का कौन सा था, तो वो था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ठीक है ना, ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो कि इन्होंने कंडक्ट किया था, वो कंडक्ट किया था आपकी इंडियन एयरफोर्स ने। अगर नेवी से पूछा जाए तो ऑपरेशन तलवार। ठीक है ना, ऑपरेशन तलवार। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हाल फिलहाल में कारगिल जो है वो न्यूज़ में कहाँ रहा है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है बच्चा, तो पहला पॉइंट ये है कि जोधपुर जो है राजस्थान में, सबको पता है जोधपुर जो है वो हमने जो MiG-27 जो है वो लास्ट फाइटर जेट जो है ना, उसको हमने क्या कर दिया है, उसको उसकी सर्विसेज को हम क्या कर दिया हमने डीकमीशन कर दिया है। और MiG-27 को ही एक निकनेम से बुलाया जाता था, वो निकनेम क्या था, बहादुर था। तो आपको याद रखना है कि जोधपुर में आपका इंडियन एयरफोर्स का लास्ट MiG-27 था, उसको क्या कर दिया गया है, उसको डीकमीशन कर दिया गया है, और इसका निकनेम क्या था, बहादुर था। ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है ना, आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, FCAT जो है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। आप सबको पता, वन ऑफ द वन ऑफ द फेमस पर्सन जिन्होंने अगर बात करें तो कारगिल लड़ाई में जीत में हमारे भारतीय सेना में अगर बात करें तो बड़े ही मतलब जोरों शोरों से अपना लोहा मनवाया था दुश्मनों से। तो कैप्टन विक्रम बत्रा जो है उनके नाम के ऊपर दिल्ली में आपको पता होगा एक जगह है मुबारक चौक जो है, तो मुबारक चौक का जो नाम है वो रीनेम कर दिया है किनके ऊपर अगर बात करें तो कैप्टन विक्रम बत्रा जी के नाम के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विजयंत एट कारगिल एक बुक जो है वो कारगिल हीरोज़ के ऊपर एक बुक लिखी गई है विजयंत एट कारगिल, जिनको रिलीज़ किया गया अगर बात करें तो ये जो ऑथर्ड जो है वो क्या हो जाएंगे वो नेहा द्विवेदी और वी एन थापर। तो वी एन थापर और नेहा द्विवेदी ने एक बुक लिखी है, बुक का नाम क्या हो जाएगा बच्चा विजयंत एट कारगिल। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस आपसे कर ली हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अगला आपका जो इम्पोर्टेंट डे हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है 28 जुलाई 28 जुलाई। और 28 जुलाई को जो हम डे मनाते हैं बच्चा वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो हेपेटाइटिस जो है वो डे हम कब बनाते हैं, वो बनाते हैं 28 जुलाई को। ठीक है, सर एयरप्लेन का कब्रिस्तान कहाँ है? हाँ, मिग-27 जो है बेसिकली अगर बात करें तो, ठीक है ना, उसको बहादुर बोला गया है। चलिए ठीक है, तो आपका जो इम्पोर्टेंट जो डे है आपका कौन सा हो जाएगा बच्चा, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका हो जाएगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ठीक है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। थीम क्या थी बच्चा इस डे की, तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की जो थीम थी वो थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर ये है आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी थीम हो जाएगी। इसके अलावा ये हमने कब से बनाना स्टार्ट किया, तो ये हमने बनाना स्टार्ट किया 2010 से डॉक्टर बरूच बुलगम जिन्होंने डिस्कवर किया था हेपेटाइटिस बी वायरस को। तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है जिन्होंने डिस्कवर किया था वो थे ब्लूमबर्ग। ठीक है, इसके अलावा WHO ने बोला है कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड जो है वो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने हेपेटाइटिस बी कंट्रोल को क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड बच्चा। ठीक है, तो ये बोला कि ये बोला है WHO ने। इसके अलावा हेपेटाइटिस क्या करता है आप सबको पता होगा, हेपेटाइटिस जो है वो लीवर को डैमेज करता है, आप सबको पता है हेपेटाइटिस की जो बीमारी है वो हमारे लीवर को क्या करती है, डैमेज करती है। ठीक है, और अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं आई। किसकी नहीं आई, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं आई है बच्चा। ठीक है, तो हेपेटाइटिस सी की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें अगर बात करें तो, हेलो सर मैं भी आ गया हूँ, हेलो अमन सर आइए। विक्रमादित्य सर क्या आज रात 1 बजे का, बिल्कुल रात 1 बजे क्लास होगी। रात 1 से 3 जो है वो हम जनवरी के 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो MCQs डिस्कस करने वाले हैं। और वो आपकी जो भी कोई एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है, तो वहाँ आपके वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे बच्चा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट के ऊपर कि टारगेट जो हमने टारगेट रखा है कि कब तक हम हेपेटाइटिस को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, वो रखा है 2030। तो बच्चा जो है टारगेट एलिमिनेशन फॉर हेपेटाइटिस सी जो है वो कितना है, वो है 2030। ठीक है बच्चा, तो ये सारी की सारी चीज़ जो है वो हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट के ऊपर। अगला वाला पॉइंट जो है आपका क्या हो जाएगा, 28 जुलाई को ही हम कौन सा डे बनाते हैं बच्चा, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है वो हम बनाते हैं 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई को हम बनाते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। इसके बारे में सिर्फ इतना ही। आगे जो है आपका इंपॉर्टेंट डे कौन सा हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा 29 जुलाई को। और आप सबको पता है कौन सा हो जाएगा, इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है बच्चा वो हम बनाते हैं 29 जुलाई को। हाँ मनीष कुमार सर हिंदी में बच्चा क्या बताओ कौन सी चीज़, मैं सारी की सारी चीज़ें तो हिंदी में एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ ना बच्चा। मनीष सर मैं सारी की सारी चीज़ें हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत हो रही है तो बताइए जरा, मैं हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, अभिनव कुमार सर मैं भी आऊँगा 1 बजे, बिल्कुल मोस्ट वेलकम अभिनव सर। ठीक है, तो इंटरनेशनल टाइगर डे जो है आपका कौन सा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कब हो जाएगा आपका 29 जुलाई को। बच्चा बहुत सारे फैक्ट्स हैं टाइगर के बारे में। ठीक है ना, फटाफट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं और देन उसके बाद हम धीरे धीरे हम शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर बढ़ने वाले हैं। अगले 5 मिनट में हम शॉर्ट ट्रिक्स पे पहुंच जाएंगे फटाफट। ठीक है, रोहित कुमार ARP सर मैं तो आऊँगा आज। रोहित सर मैंने आपका कमेंट पढ़ा था, बहुत अच्छा कमेंट था, थैंक यू सो मच सर। ठीक है ना। थैंक यू सो मच सर इतना अप्रिशिएट करने के लिए। यही एक चीज़ है जिसके लिए एक टीचर जो है ना मतलब दिन रात मेहनत करता है। ठीक है ओके ओके सर हिंदी में अब मनीष सर बताइए तो क्या 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 हिंदी बताइए ज़रा कि क्या बोलूँ कि मैंने बोला था सर कि विश्व बाघ दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या थी 2020 की? थीम जो 2020 की जो थी देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स मतलब जो बाघ जो है उनका जो सर्वाइवल है उनका बचाव जो है ठीक है वो हमारे हाथ में है। ठीक है तो हम उनको कितने अच्छे तरीके से रखते हैं ये आपकी क्या हो जाएगी थीम हो जाएगी 2020 की। ठीक है मनीष सर देखो हर एक चीज़ को जो है ना पीछे वाला मनीष सर मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। वो हेपेटाइटिस बच्चा तो हेपेटाइटिस ही होगा ना बच्चा हेपेटाइटिस ही बोलेंगे ना बीमारी। देखो मलेरिया को मलेरिया ही बोलोगे ना कुछ और तो नहीं बोलोगे ना हिंदी में। ठीक है अच्छा पहली बार हमने टाइगर डे कब मनाया? फटाफट बढ़ते हैं आगे सेशन की साइड। ठीक है ना हमने पहला टाइगर डे कब बनाया बच्चा? हमने पहला टाइगर डे बनाया 2010 में और 2010 में जो है ना वो टाइगर डे हमने बनाया वो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में। अगर बात करें रशिया का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग्स है ना तो सेंट पीटर्सबर्ग्स में टाइगर समिट हुई थी 2010 में और वहाँ पर हमने 29 जुलाई को एज ए टाइगर डे बनाने में क्या किया था हमने प्रॉमिस किया था हमने एम रखा था। ठीक है बच्चा तो आपको पता होना चाहिए टाइगर समिट जो है टाइगर समिट कब हुई आपकी? टाइगर समिट 2010 में हुई। इसके अलावा टाइगर का जो नेम जो है साइंटिफिक नेम आपको सबको पता होगा पैंथेरिया टिग्रियस है तो पैंथेरिया टिग्रियस आपका टाइगर का क्या हो जाएगा सरनेम हो जाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर हमने कब स्टार्ट किया था तो बच्चा प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने की जो मुहिम है प्रोजेक्ट टाइगर वो हमने 1973 में हमने स्टार्ट किया था। ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके क्लर्क से लेकर नीचे वाले लेवल से लेकर यूपीएससी तक पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर और पता नहीं कितनी बार पूछा गया था। प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब स्टार्ट हुआ था बच्चा? 1973 में स्टार्ट हुआ था आपका। 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट के ऊपर। टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में कितने हैं बच्चा फिलहाल? तो 50 है। टोटल टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया में कितने हैं? वो 50 है। ठीक है टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। ठीक है इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? टाइगर के बारे में कि टाइगर कहाँ न्यूज में रहा। देखो अकॉर्डिंग टू सर्वे टाइगर इन इंडिया रोज टू 2967 इन 2018। अब बात करो सर 2018 की बात क्यों कर रहे हो? साल 2020 चल रहा है बच्चा। टाइगर सेंसस जो है वो हर 4 साल में हुआ है और जो आखिरी सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 2018 में। तो 2018 में जो है वो टाइगर की जो गिनती जो थी हमने की थी तो वो टाइगर गिनती कितनी थी? वो थी 2967। तो 2967 जो है आपके टाइगर मिले थे 2018 की। ये आपका सेंसस टाइगर सेंसस बताता है। ठीक है अच्छा अगर आपकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहूँ तो 2018 में जो है ना तो 2014 में लास्ट होता है तो 2014 से और 2018 में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? तो 33% जो है पॉपुलेशन क्या हो गई है आपकी? इंक्रीज हो गई है किसकी? टाइगर की बच्चा। ठीक है ना चलो ये आपका एडिशनल फैक्ट मैंने आपको बता दिया। चलो बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट के ऊपर। मध्य प्रदेश में जो है ना वो सबसे ज़्यादा टाइगर है। तो आपसे पूछा जाए कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर है तो वो है मध्य प्रदेश। कितने? 526 526। तो 526 जो है वो टाइगर बाघ जो है आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अच्छा इंडिया ने अचीव कर लिया। क्या टारगेट रखा था हमने? हमने रखा था कि भाई 2022 तक है ना 2022 तक है ना जो हमारे टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो हमने क्या करनी है? डबल करनी है। और वो टाइगर वो उसको हमने क्या कर दिया? अचीव कर दिया। तो इंडिया हैज अचीव इट्स 2022 टारगेट ऑफ डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन। तो बाघों की जनसंख्या को दुगना करने का जो टारगेट था 2022 का वो हमने ऑलरेडी क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। 2018 के टाइगर सेंसस में बोला गया है 2018 का जो टाइगर सेंसस जो मैंने अभी बताया था कि हमारा लास्ट टाइगर सेंसस कब हुआ था? 2018 हुआ था। ये हमारा सबसे बड़ा टाइगर के ऊपर कैमरे के थ्रू हुआ था। हर एक टाइगर जितनी भी सारी टाइगर की जो हमने गणना की थी वो कैमरे के थ्रू की थी और ये आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है तो इंडियाज 2018 टाइगर सेंसस लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे सेट्स गिनीज रिकॉर्ड। तो ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये आपका क्या हो गया? दर्ज हो गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बोला है गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो हम एज ए टाइगर रिजर्व टीआर बचा। यहाँ टीआर मैंने जानबूझ के लिखा क्योंकि स्लाइड जो है उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नीचे चली जाती। टीआर का मतलब होता है क्या? टाइगर रिजर्व। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क बच्चा कहाँ पर है? वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क को हमने कौन सा क्या डिक्लेयर कर दिया बच्चा? तो हमने डिक्लेयर कर दिया है आपका टाइगर रिजर्व। ठीक है बच्चा चलिए बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट के ऊपर। तो आपका अगला पॉइंट जो आपका बोलता है अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट बोल रहा है कि बौर टाइगर रिजर्व देखो दो चीज़ें बताने वाला बचा कि जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। तो हमारे इंडिया का जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा जगह, बोर टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में सबसे छोटा है, और नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम जो आपका आंध्र प्रदेश में है, वो सबसे बड़ा आपका क्या है, टाइगर रिजर्व है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा बच्चा, भोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, और नागार्जुन श्रीशैलम जो है आपका कहाँ पर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, जो आपके देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो बच्चे ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने टाइगर के बारे में बता दी है, ठीक है। मनीष कुमार थैंक यू सो मच सर इतनी मेहनत करने के लिए। सर इतनी मेहनत करने के लिए चलो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, बट बच्चा जो अभी भी जो वॉचिंग जो है ना वो बहुत कम है, तो इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, है ना। मुझे नहीं पता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कल वाली क्लास में हम जो टारगेट रखने वाले वो 100+ रखने वाले हैं, ठीक है। देखो अकेले मेरी मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, आप बहुत सारे लोगों को जोड़िए ज़रा, ठीक है। विक्रम आदित्य सर लगता है एग्जामिनर भी आपके क्लास के क्वेश्चन बनाएगा। अब विक्रम आदित्य सर देखो सिंपल सी बात है, मैं कह सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें ऐसा नहीं कि मैं इसको एज एरोगेंट या घमंड में बोल रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम कोई फैक्ट छोड़ेंगे ही नहीं, है ना। टाइगर के रिगार्डिंग जितनी सारी इन्फॉर्मेशन थी पिछले 1 साल की, वो मैंने सारी की सारी आपकी यहाँ पे डाल दी। अगर वो टाइगर से पूछेगा तो इससे बाहर तो कुछ पूछने वाला नहीं है, और पूछने वाला नहीं है तो सिंपल सी बात है हम बोल सकते हैं कि हाँ मेरी क्लास में से आया था, ठीक है ना। तो बच्चे ये मेरी क्लास या आपकी क्लास ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो उसको ऐसा पढ़ो कि सारी की सारी संभावना पॉसिबिलिटी जो है क्या कर दो आप खत्म कर दो, ठीक है। सर छोटा कीजिए स्लाइड को थोड़ा, ठीक है सर, अगली वाली क्लास में देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। थोड़ा सा वो हो जाता है कि जल्दी सर ज़्यादा ज़्यादा कर दें। चलिए आपका जो लास्ट जो आपका डे हो जाएगा बच्चा जुलाई का, वो कौन सा हो जाएगा बच्चा, जुलाई का आपका लास्ट डे हो जाएगा कौन सा, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिक इन पर्सन, व्यक्तियों के अवैध व्यापार के खिलाफ विश्व दिवस। तो हर साल 30 जुलाई को बच्चा जो मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ठीक है ना। तो बेसिकली सबको पता होगा कि मानव तस्करी, बिल्कुल आसान भाषा में बताऊँ कि वो वाली सारी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो हम हर साल 30 जुलाई को जो मनाते हैं वो कौन सा मनाते हैं, मानव तस्करी विरोधी दिवस बनाते हैं, ठीक है ना। जो हम ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को और इन सब चीज़ों को अगर बात कर तस्करी करते हैं, बेचते हैं, तो सिंपल सी बात है मानो ये कोई बेचने वाली चीज़ नहीं है। इसको रोकने के लिए और इसके बारे में अवेयरनेस के लिए हम हर साल 30 जुलाई को जो डे मनाते हैं वो बच्चा आपका कौन सा हो जाएगा, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ठीक है। और अब आपका आगे है टाइम, जिसके लिए आप सब लोग जो है वो पिछले 1 घंटे से इतनी मशक्कत कर रहे हो, ठीक है। तो जुलाई की जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डेज जो है उसको मैंने वैसे तो एक ट्रिक एक ही है, पर ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज थे तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। आपके सामने पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जब तक मैं पढ़ के सुनाऊँ तब तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि सेशन का वाइंड अप का टाइम आ चुका है। और अगर अभी तक आपने सेशन लाइक नहीं किया तो फटाफट प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए क्या बोलता है कि सर एक जीएसटी भरने वाला डॉक्टर था, एक डॉक्टर था, वो क्या करता था, जीएसटी भर रहा था ना। तो बच्चा मैं बता देता हूं क्या है कि एक जीएसटी भरने वाले चलिए बच्चा, हाँ तो क्या है कि एक जीएसटी भरने वाले सीए डॉक्टर ने 2 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को 2 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ यूएफओ स्टूडियो में, कौन सा स्टूडियो था बच्चा, यूएफओ स्टूडियो में 3 टाइप के प्लास्टिक बैग से एक फैक्ट्री बनाने को कहा, और उस फैक्ट्री में क्या होगा बच्चा, उस फैक्ट्री में हर दिन हम 7 टन चॉकलेट बनाएंगे। उस फैक्ट्री में हम हर दिन कितनी चॉकलेट बनाएंगे बच्चा, हम 7 टन चॉकलेट बनाएंगे, जो सबसे 11 ज़्यादा पॉपुलेटेड मतलब जनसंख्या वाले देशों में बांटी गई, ठीक है ना बच्चा। तो क्या है आपका पहला पार्ट क्या हो जाएगा कि भाई एक जीएसटी भरने वाला सीए डॉक्टर था, ठीक है ना, एक जीएसटी भरने वाला सीए डॉक्टर था। जय हिंद, जय हरियाणा सोनू शर्मा, ठीक है, ओके चलिए ठीक है। तो क्या है, एक जीएसटी बनने वाले सीए डॉक्टर ने क्या किया भाई, दो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को यूएफओ स्टेडियम बुलाया और बोला कि भाई तीन प्लास्टिक बैग से एक फैक्ट्री बनाओ और उस फैक्ट्री में सात टन जो है चॉकलेट क्या है बनानी है, जो हमें 11 जनसंख्या वाले देशों के क्या करनी है, भेजनी है। तो फटाफट को थम्स अप भेज दीजिए, फटाफट को थम्स अप भेज दिए। अगर आपने ये शॉर्ट ट्रिक जो है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन कर लिया, तो फटाफट थम्स अप भेजिए क्योंकि इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है वो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। फटाफट कीजिए बच्चा। हाँ, निर्देश सिंह आप लेट हैं। जीएसटी कब से लागू हुआ बच्चा? जीएसटी 2017 से लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था और पहला जीएसटी डे हमने बनाया था 2018 में। रणछोड़दास भाई जीएसटी थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है, आप सबके थम्स अप आने स्टार्ट हो गए। चलो चलो ठीक है ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि जीएसटी बनने वाले डॉक्टर ने, सीए डॉक्टर ने क्या किया, दो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को बुलाया कहाँ पर, यूएफओ स्टेडियम में, बोला कि भाई 3 प्लास्टिक बैग से एक फैक्ट्री बनाओ जिसमें 7 टन चॉकलेट बनानी है जो हमें 11 देशों में क्या करनी है, भेजनी है, जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि भाई जिसमें से अब 7 टन चॉकलेट है तो 7 टन तो बहुत होती हैं। अब उस 7 टन चॉकलेट में से जिसमें से 12 किलो चॉकलेट हमें किसको देनी है, मलाला को, है ना। 12 किलो चॉकलेट हमें किसको देनी है, तो 12 किलो हमने चॉकलेट दे दी किसको, मलाला को। 15 किलो दे दी भाई यूथ को, है ना, 15 किलो दे दी यूथ को। 17 दे दी हमने जस्टिस को, इंटरनेशनल जस्टिस को 17 किलो, ठीक है ना। 18 किलो हमने किनको दे दी, नेल्सन मंडेला जी को दे दी, ठीक है। 20 किलो किसको दे दी, चेस खेलने वाले प्लेयर को दे दी, ठीक है ना। 22 किलो पाई दिवस के ऊपर, और 26 किलो हमने बांट दी भाई कब, जब हमने क्या किया, जब हमने कारगिल के ऊपर विजय प्राप्त की। ठीक है बच्चा, तो 12 किलो हमने किसको दे दी, 12 किलो हमने दे दी मलाला को, 15 किलो यूथ को, ठीक है ना, 15 किलो यूथ को, 17 किलो जस्टिस को, 20 किलो हमने वो चॉकलेट दे दी किसको, 18 किलो दे दी किसको, नेल्सन मंडेला को, 20 किलो दे दी हमने चेस प्लेयर को, 27 किलो पाई दिवस के ऊपर, और 26 किलो हमने बांट दी कारगिल की विजय दिवस के ऊपर। तो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मुझे और फटाफट कमेंट में थम्स अप भेजिए ताकि थर्ड और लास्ट ट्रिक के ऊपर हम जाएं। ठीक है ना, तो बच्चा चॉकलेट से याद रखना है कि 7 टन जो चॉकलेट है उसमें से 12 किलो हमने मलाला को देनी है, 15 यूथ को देनी है, ठीक है, 17 जस्टिस को देनी है, 18 नेल्सन मंडेला को देनी है, 20 चेस प्लेयर को देनी है, 22 पाई दिवस के ऊपर बांटनी है, और 26 हमें बांटनी है जब हम कारगिल की विजय दिवस हमने बनाई है तब। अमन यादव 12th वेलकम भैया। चलिए चलिए चलिए, ओके ओके ओके, आप सबका थम्स अप आना स्टार्ट हो गया है। गर्दा ट्रिक है सर, थैंक यू विक्रम सर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है हमने डिस्कस कर लिए थे सारे के सारे बच्चा, ठीक है। और फटाफट जो है ये आपका क्या हो जाएगा, 26 किलो हो गई, 26 तक पहुंच गई, 26 किलो। अब बची कितनी, अब बच गई 28 किलो, बाकी सब हमने बांट दी, कितनी बची 28 किलो। तो 28 किलो चॉकलेट हमने हेपेटाइटिस के मरीजों को दे दी जिन्होंने नेचर कंजर्वेशन के जरिए 29 टाइगर को बचाया 30 ट्रैफिकिंग पर्सन से। भाई 28 किलो हमने हेपेटाइटिस के मरीजों को दे दी, क्यों दे दी भाई, क्योंकि उन्होंने नेचर कंजर्वेशन किया था। कंजर्वेशन मतलब संभाल के रखा था, किनको संभाल के रखा था, 29 टाइगर को। 29 टाइगर क्यों, क्योंकि भाई वो 30% जो थे ना उसकी ट्रैफिकिंग करने वाले थे। ठीक है ना, तो फटाफट जो है एक बार इसको निर्देश सर, अगर आप सबसे लास्ट में आएंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि सॉलिड ट्रिक है पर किस में लागू है। बच्चा हम जो है इंपॉर्टेंट, देखो शॉर्ट ट्रिक्स फॉर द इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई जो है ना, ठीक है। तो बच्चा क्या है, फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद सेशन को वाइंड अप करने का टाइम आ गया। कि इसके अलावा 28 केजी चॉकलेट हमने हेपेटाइटिस के मरीजों को दी जिन्होंने नेचर कंजर्वेशन के जरिए 29 टाइगर्स को बचाया 30 ट्रैफिकिंग पर्सन से। तो 28 जुलाई को कौन सा हो जाएगा, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 28 जुलाई को हो जाएगा वर्ल्ड डे ऑफ नेचर कंजर्वेशन। 29 जुलाई को आप सबको पता है कौन सा, इंटरनेशनल टाइगर डे। और 30 जुलाई को कौन सा हो जाएगा, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है बच्चा, तो फटाफट जो है आप सबका, आप सबके लाइक अगर थम्स अप स्टार्ट होना है। चलो ठीक है, ओके ओके ओके। सर इस क्लास का पीडीएफ भी मिलता है क्या बच्चा? देखो पीडीएफ अगर बात करें तो मिलेगा, पर थोड़ा सा जो है ना अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो 1-2 दिन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना, सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप डिफेंस वाले चैनल पे जाओगे, एफकैट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई रवि सर के नाम से, तो वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए बच्चा, तो ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो ठीक है। और बच्चा आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूं कि 16 से 30 अगस्त का सारा करंट अफेयर जो है वो आपका डिस्कस होने वाला है। ठीक है, विवेक सर जो है वो डिस्कस करेंगे आपको 30 अगस्त को। ठीक है, सुबह 6:30 बजे आपको ये क्लास रहेगी, ठीक है। तो आपको ये क्लास क्या करनी है, देखनी है। और इसके अलावा 1 से 3 में भी मैं आप लोगों के सामने करंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ पिछले 6 महीने का। उसमें हम 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक के करंट अफेयर को हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अपना ध्यान रख लीजिए, ठीक है। और कल वाली क्लास में आप सबका टारगेट होना चाहिए 100+ वॉचिंग का, ठीक है। ये सब सारी की सारी जिम्मेवारी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे ही बेहतरीन शॉर्ट टिप्स लेकर आप सबके सामने प्रेजेंट होता रहूँगा, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं। गुड नाइट, सबा खैर।